गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम गुप्ता जी। अभी 2 बज रहे तो मैं देखो रेडी हो गया हूँ। तो आज केदारनाथ का ट्रेक है तो जल्दी स्टार्ट करना है, इसलिए अभी सब 2 बजे रेडी हो जाएंगे तो हम यहाँ से 3 बजे निकलेंगे। तो आज गुप्तकाशी से सोनप्रयाग जाएंगे पहले, फिर वहाँ से गौरीकुंड और फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते केदारनाथ का ट्रैक। तो मैंने अभी जाके सबको उठा दिया है और सब लोग रेडी है, तो इससे पता चलता है कितना सब लोग एक्साइटेड है केदारनाथ ट्रैक के लिए। सब लोग रात को सो के 1 बजे उठ भी गए और अभी 2 बजे रेडी भी है। तो ठीक है चलते। तो मैंने बैग पैक कर लिया है, ये मैं ऊपर लेके जाएगा और ये जो बैग है वो नीचे ही रहेगा होटल में। तो ये ट्रिक के लिए एक दिन का सामान ले लिया है, रेनकोट है, स्वेटर है और एक शर्ट है बस, और कॉलगेट ब्रश वगैरह ले लिए, बाकी सब सामान इसमें रखा है। तो ये हम होटल में रख के जाएंगे नीचे और ये बैग ऊपर लेके जाएंगे। इतना जल्दी नाश्ता तो नहीं होगा, सबको चाय और बिस्किट दिया और ये पार्सल दिया है, इसमें सैंडविच, एक बनाना, फ्रूटी है और फ्रूट्स है। रेडी है सब, अभी निकल रहे हम लोग। हाँ सब रेडी है, देखो बैठ गए सब लोग। तो ये है सोनप्रयाग का पार्किंग, हमें कुछ 1 घंटा लगा गुप्तकाशी के सोनप्रयाग आने में। तो अभी सोनप्रयाग से कैब रहेगा गौरीकुंड तक। सब लोग एकदम पैक, ठंडी लग रही है। पैक। अभी ठंडी लग गई। नीचे इतना ठंडी है, ऊपर पता नहीं कितना ठंडी होगा। ये है सोनप्रयाग, ऐसे थोड़ा आगे चल के जाना है, फिर वहाँ पे देखते शायद चेकिंग वगैरह होगा सर्टिफिकेशन, फिर वहाँ से कैब भी है। यही है, यहाँ पे चेकिंग होगा आपका जो सर्टिफिकेट निकाला है। तो कुछ नहीं होगा, क्यू आर कोड स्कैन होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में हो गया चेकिंग। अभी बैठ गए कैब में सोनप्रयाग से अभी गौरीकुंड तक, इनका एक कैब जाता है 50 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। सोनप्रयाग से यहाँ आने में बस 15 मिनट लगा है, यहाँ पहुँच गया। अभी यहाँ से अभी थोड़ा आगे चल के जाना है। तो अभी 5:30 हो रहा है और हम यहाँ से मैं केदारनाथ का ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। ये है केदारनाथ का बोर्ड, यहाँ से 16 किलोमीटर लिखा है बट एक्चुअली वो 22 किलोमीटर है। तो 5:30 चलो देखते हैं अभी हम कितने बजे ऊपर पहुँचते हैं। अब थोड़ा सनलाइट आ रहा है। फर्स्ट ब्रेक लिया आधे घंटे में, तो अभी जो पार्सल आया होटल से खा लेते। स्नो के दर्शन हो गए केदारनाथ में, दूर है अभी बट यहाँ से दिखती है। वहाँ से केदारनाथ 12 किलोमीटर से पड़ा है। बारह किलोमीटर दूर दिखा है बट वो राइट नहीं है, अगर हम नीचे से देखेंगे तो 16 किलोमीटर था। तो अभी 4 किलोमीटर कंप्लीट किया हमने इस हिसाब से और अभी टाइम हुआ 7:15। तो हमने कुछ
के अगर 1.5 घंटा लिया हमने कुछ 4 किलोमीटर कवर करने। तो अभी 4 किलोमीटर मतलब 22 में से अभी 18 किलोमीटर और बाकी है। तो रामबाड़ा 1 किलोमीटर है, केदारनाथ 10 किलोमीटर। मैं 5:30 से वॉक कर रहा हूँ, बस 5 मिनट बीच में रुका था तो थोड़ा जैम ब्रेड खाया था और नॉन स्टॉप चल रहा हूँ तब से। तो अभी पहला ब्रेक मैं रामबाड़ा में लूँगा। How's the Josh guy? Hello. ठीक आएगा? ठीक आएगा? ओ एकदम ठीक, एकदम ठीक। किती ब्रेक घेतले? किती ब्रेक घेतले? दोन घेतले, दोन। नाही ते 10 किलोमीटर नाही, खालून स्टार्ट केलं जेव्हा 16 होतं ना, तर 10 म्हणजे आतापर्यंत 6 किलोमीटर आपण चाललोय आणि रिअल मध्ये 22 किलोमीटर। हां नाही पण येते रॉंग लिहिलं, ये रामबाड़ा है, लास्ट टाइम मैं वहाँ से गया था तो इस टाइम ये ब्रिज ट्राई करते हैं क्योंकि आते समय यहाँ से आया था। तो कौन सा साइड से इजी है वो पता चल जाएगा। मुसाफिर जीतेंगे, आपको अभी ब्रिज के नीचे की खाई दिखाता हूँ, बहुत डेंजर व्यू है। वहाँ ऊपर जाना है, अभी तो बस 3 घंटा ही चले, अभी बहुत बाकी है। अभी 8:15 हुआ है तो ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं। बैग में भी मेरे बिस्किट है और फ्रूटी भी है, वो एक छोटा 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर वापस कंटिन्यू करते हैं ट्रैकिंग। तब तक आप ये व्यू देखो, ये ब्रिज से आपको सेंटर से व्यू दिखा दो कितना डेंजर है। यही व्यू दिखाना था, देखो क्या सही व्यू है। पूरा ब्रिज हिल रहा है, देखो जब घोड़े जा रहे इसके ऊपर से। गाइस व्यूज देखो, स्नो कैप माउंटेन है वहां पे। तो जो सेकंड रोड है वो यहाँ से आ रहा है, वो इससे करके, और हमने वहाँ से नीचे से लेके ये रोड लेके आया है। ये रोड पूरा खाली है और वहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, मोस्टली लोग वही यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं अभी थोड़ा और आगे जाने का समझेगा कौन सा इजी है। तो वो सेकंड रोड यहाँ से आ रहा है और मैं ये रोड से आया तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से दिखता है क्या कुछ। देखो ये रोड से कंटिन्यू आपसे तो पूरा ऊपर चढ़ के आना है कंटिन्यू, और यहाँ से इतना नहीं है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा सेकंड वाला। तो अभी 9 बजे मैंने एक ब्रेक लिया, यहाँ रुक के थोड़ा कुछ खाता हूँ फिर वापस कंटिन्यू करूँगा। अभी 3 आवर्स कुछ कंटिन्यू वॉक किया। हो गया 15 मिनट का ब्रेक, बिस्किट और फ्रूटी पिया है और एक बनाना खाया, तो बॉडी अभी फ्यूल अप हो गया है और 15 मिनट का ब्रेक भी हो गया तो अभी वापस कंटिन्यू ट्रैक करते हैं। बस कुछ थोड़ी देर रुका
तो ठंड लगने लगी। जब चल रहे तो गर्म हो रहा है, समझ रहा नहीं क्योंकि बॉडी हीट हो रही है। जब रुक जा रहे तो लगे हाथ वगैरह फ्रीज हो रहा है, ठंड लगने लगी। अभी यहाँ से कुछ 8.5 किलोमीटर बता रहे थे ना, देखते हैं। ये असली चढ़ाई चालू हुई है, यहाँ से दिख रहा है वहाँ तक कंटिन्यू लूप से। देखो अभी मैंने एक बीच में से शॉर्टकट लिया है, यहाँ से था कंटिन्यू, बट मैंने बीच में से शॉर्टकट लिया है, यहाँ से जाता हूँ। थोड़े एक दो लूप्स बच जाएंगे, ये जो वाले लूप्स हैं, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये गिर गया है घोड़ा, अभी एक मैगी ब्रेक भी हो गया, अभी 12:30 हुआ है, तो अभी 9:15 के बाद अभी 12:30 को एक ब्रेक लिया। अभी यहाँ से बस 4 किलोमीटर बाकी है, तो अभी टेंपल क्लोज हो गया रहेगा, तो जाते स्लो स्लो। उधर जाना है, ये है लास्ट शॉर्टकट। यह है बेस कैंप और नीचे से घोड़े यहाँ तक ही आते हैं, फिर यहाँ से आगे 2 किलोमीटर पैदल जाना है, तो अभी ज़्यादा नहीं बचा है, बस 2 किलोमीटर बाकी है। 2 किलोमीटर बोल के आधा घंटा हो गया है, बट ख़त्म ही नहीं हो रहे। और कितना चलना है पता नहीं। जिंदा हो क्या? जिंदा, जिंदा तो है पर पाई जिंदा नहीं है। बहुत क्राउड है। देखो दिखा दे
दो बजे ऊपर आ गया था एक्चुअली ग्रहण की वजह से आज टेम्पल क्लोज होने वाला था, बट लकीली अभी भी डोर ओपन है तो मुझे दर्शन बाहर से मिल गए, तो लग था अच्छा था, तो अभी दर्शन लेके बैठा हूँ यहाँ पे। क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है अभी, देखो अभी भी आरती चालू है, बस डोर ओपन किया है वो सामने से ही आपको दर्शन लेना है। हाँ मजबूत पब्लिक दिस। तो ये है नाइट का व्यू टेंपल का, देख सकते हो कितना गर्दी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, अभी टेंपल क्लोज है तो कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे खुलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ, मैं होटल में हूँ, थोड़ा लेट उठा, बहुत थक गया था रात को, और अभी बाकी सब लोग गए टेंपल में, लाइन लगाए जिनको दर्शन लेना, तो अभी वो जैसे टेंपल के पास में आएंगे तो मैं भी चला जाऊँगा उनके साथ में लाइन में। अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा जाते हैं टेंपल में दर्शन करने और आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ से भैरवनाथ का भी दिखता है, तो यहाँ से ऊपर चल के जाना है आपको, यहाँ पे भैरवनाथ का टेंपल, यहाँ पे टेंट का भी है बीकानेर हाउस में। मेरे दोस्त लोग आ गए अभी लाइन में, बहुत पास में आ गए तो उन्हें बुलाया मुझे, तो मैं अभी जा रहा हूँ दर्शन भी कर लेते पहले केदारनाथ का, फिर भैरवनाथ जाएंगे। कितना गर्दी है गाइस देखो, बहुत ज़्यादा गर्दी है और ये लोग सब लोग रात से खड़े लाइन में, रात को 2-3 बजे से इन लोग ने लाइन लगाए। और लाइन नीचे से चालू रहा है, यहाँ पूरा लाइन है, ये मेरे दोस्त लोग आ गए सब, तो इनकी वजह से जुगाड़ हो गया। ये है ये गणेश, थैंक यू गणेश, थैंक यू दर्शना, इन्होंने मेरे लिए लाइन में जगह किया, थैंक यू थैंक यू। जीपे का नंबर सांगो, हो गए दर्शन, अभी 9:15 बज रहे, 7:15 बजे लाइन में खड़ा हुआ था तो 2 घंटा लगा दर्शन करने, तो हो गया फाइनली दर्शन अंदर से, तो अभी जाते आगे। यहाँ से 7:15 बजे स्टार्ट किया था और अंदर 9:15 बजे गया, अंदर बहुत ज़्यादा गर्दी है, सांस लेने को भी नहीं हो रहा था। ये भीमशिला जिसने केदारनाथ टेम्पल को बचाया था पहाड़ के टाइम जब फ्लड आया था तब।
तो अभी मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ जी का टेम्पल जो ऊपर है वहाँ पे क्रॉस करके जाना। जो वहाँ पे ऊपर है यहाँ पे टेंपल है, ये लाइन यहाँ से पूरा देखो लाइन यहाँ तक लाइन है। ये सुबह 3 बजे आके चालू की लाइन। आ गए भैरवनाथ टेम्पल, 15 मिनट का ट्रेक था। हरा 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 हो गया सब। अभी केदारनाथ का, भैरवनाथ का भी दर्शन हो गया, केदारनाथ का भी हो गया। अभी 11:30 हो रहा है तो ट्रैक डाउन अभी स्टार्ट कर दे, देखते कितने बजे नीचे पहुँचते। बहुत ज़्यादा लाइन है, देखो एक शॉर्टकट है वो मेन जो रोड है वो देखो कहाँ से जा रहा है घूम के एकदम, और ये शॉर्टकट से जा रहा है। ये शॉर्टकट से आया हो, ये भी इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, वहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये भी 1 बज रहा है अभी तो मैगी ब्रेक ही है, तो खाते और वापस ट्रैक डाउन स्टार्ट करते हैं। मौसम खराब हो रहा है, मैंने रेनकोट पहन लिया है पूरा, ऊपर देख रहा पीछे हवा बहुत छोटी है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रहा था, अब शायद ऊपर स्नोफॉल या बारिश हो रही है, यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आते समय ये रोड से आया था, अभी कहाँ से यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, चलो ये ट्राई करते हैं, इससे जाके देख के पता चलेगा फिर कौन सा इजी है। फाइनली रामबड़ आ गया, तो ये है रामबड़ा का कुछ तो वही आते समय यहाँ से ना आते वक्त मैंने वो रोड लिया था जो डायरेक्ट ऊपर गया था, तो आपका ये जो लूप्स है बहुत सारे लूप्स है वहाँ तक तो बच जाते हैं, बस ये वाटरफॉल का व्यूज़ मिस हो जाएगा आपसे अगर जाते हो वहाँ से,
बट आते हो यहाँ से आ सकते हो, तो फिर ये व्यू देख के फिर इजी है थोड़ा जाते जाने के लिए। तो जाते हो वहाँ से गया था ये थोड़ा डायरेक्ट ऊपर ना ऊपर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया है, बहुत टफ है। अभी 6 बजे और गौरीकुंड यहाँ से 1 किलोमीटर है, बट बहुत हालत टाइट है, ज़्यादा स्पीड में चला भी नहीं जा रहा है और लेग में भी बहुत पेन है। मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, बहुत टाइम जा रहा है, जितना ट्रैक चढ़ना हार्ड है उतना ही उतरना उससे डबल हार्ड है। अभी हालत ख़राब है,